बहुत ही स्पेशल गाना बजवाया है तू है जो मुझे फिर और क्या चाहिए ये दुनिया भी दे दे अगर से दुनिया चाहिए तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो दोस्तों देख रहे हो व्यू और भैया चला रहे हैं गाड़ी। गाड़ी ठंडी हुई कि नहीं? हो गई है, थोड़ी ठंडी हो गई है, अभी टाइम लगेगा। अभी तो वैसे भी लंबा जाना है, जब तक तो बहुत जल्द हो जाएगी, ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है इसको ठंडा होने में। तो अभी हम जा रहे हैं, ये कौन सा बाईपास है? इसको बोलते हैं कोटा बाईपास। तो अभी हम भोपाल में। दोस्तों मेरे चैनल का नाम पहले और कुछ था, मेरे नाम से था शुभम मौबिया कलाकार, तो भैया ने चैनल का नाम चेंज करवा दिया था और ब्रो वेंचर्स करवाया, और भैया खुद व्लॉग में नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते हमारे व्लॉग में? भैया ऐसा है थोड़ा काम से बिजी रहता हूँ मैं, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे 9 बजे मेरा बैंक का टाइम हो जाता है, ठीक है, और 10 बजे मैं सो जाता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास समय की कमी है, इसलिए फिर मैंने आज तुम्हें बोला कि आज तुम आज ब्लॉग शूट करो जिसमें मैं अपने आप को ज्यादा रखूंगा, ठीक है, मैं सबसे मिलाऊंगा तुम्हें आज सबसे, आज मैं अपने अंदर की वो मतलब कलाकारी जो होती है ना वो दिखाना चाहूंगा आज सबको। भैया ऐसा चश्मा देना जिसको लड़कियां देखती से गिर जाए। पीछे भी देख लो। तो आ गए अभी हम गार्डन पर, तो शादी में आ गए हैं दोस्तों। तो बोला गया है कि जिसके पैकेट लाना तो भाई साहब कर। ये मिस्टर ताऊ 4 दिन से भूखा था ना भाई, एमपी नगर से आ रहा हूँ अभी जस्ट। ताऊ भाई है? ताऊ भाई? हाँ भाई, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया अपने बड़े भैया। क्या हुआ? हमारे भैया की बेटी है मुस्कान, वो थोड़ी नाराज हो गई थी। कौन सी कोल्ड ड्रिंक पी है? उसको क्या है कुरकुरे के लिए बोला गया था हमको, पर हमने उसको बोल दिया फोन पे की उम्मीद मत रखना। अरे यार, तो वो गुस्सा हो गई थी। अरे गुस्सा हो गई, ठीक है। अभी वो कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियो गे बेटू? अरे नाराज हो गई भाई, उसको ले जाओ कोल्ड ड्रिंक और तुरतुरे 10 रुपए से तुरतुरे और आइसक्रीम खिला देना, ठीक है? ठीक है ठीक है, जाओ ढूंढो। चलो हम जा रहे हैं इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाने। और कौन सी आइसक्रीम मुस्कान बताओ चाचू को? पहले चलो उसके बाद बताएंगे। और अभी हो रही है यहाँ पर तैयारियाँ। और ताऊ भाई आप कौन सी कोल्ड ड्रिंक पियोगे? अपन को स्प्राइट लगती है विद लिटिल लिटिल। भतीजी को आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं ना मुस्कान, ठीक है। कि आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी मेरी भतीजी मुस्कान जिद कर रही है मुझे आइसक्रीम खिलाओ, तो हम उसको आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं। और कौन सी खाओगे? ऑरेंज, तो उसको ऑरेंज वाली आइसक्रीम खाना है जो कि बहुत सस्ती मिलती है। बहुत सस्ती मिलती है वो, तो फिर 20 रुपए की ही खिला देना। हाँ तो गाइस प्रो विंटर प्रो को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। ओ चाचू का ब्लॉग बाय। तो यहाँ पर आइसक्रीम मिल गई है, इसका नाम है भैरोनाथ कुल्फी आइसक्रीम, उसको आइसक्रीम ही दिलवा देते हैं। तो यहाँ से हम आइसक्रीम खाएंगे। अभी अपन कौन सी वाली खा रहे हैं आज आइसक्रीम? हाँ सबसे महंगी 100 रुपए की आइसक्रीम। भैया तो ये आइसक्रीम आ गई है, ये लो ये लो, ये वाली थी स्पेशल, तीन तीन तीन। ताऊ भाई भी खाएंगे ना हमारे? हाँ। कैसी लग रही है? अच्छी अच्छी लग रही है, जेली भी ऐसे। हाँ। तो ताऊ भाई भी खा रहे हैं आइसक्रीम, अपन भी खा रहे हैं और हमारी मुस्कान भी खा रही है, तीनों आइसक्रीम खा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है ना। हाँ। कौन से चाचू ने खिलाई? ठीक है ठीक है, यही गाड़ी है ना मुस्कान की? चलाती हो आप? मुस्कान अपन कहाँ है अभी? क्यों रेडी रेडी? 10 लोगों का तो इधर पहले से ही लिपा पोते चल रहा है। हाँ तुम क्या कहोगी ये तो बता दो आनंद नगर से। हैं क्या होता है? कुल्फी अभी तो खाई। अच्छा कुल्फी नहीं, बर्फ का गोला यहाँ नहीं मिलता। रायपुर गांव थोड़ी है। तो भैया क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं यही बोलूंगा इसको, लड़की को समझाओ, ये रायपुर गांव थोड़ी है, बर्फ थोड़ी मिलता है यहाँ, बर्फ का गोला थोड़ी मिलता। हम शहर में रहते हैं भाई, ये भोपाल है मुस्कान, भोपाल है ये तो। अरे भोपाल और इंडिया एक ही होता है। अच्छा भोपाल एक रुपए की तुरतुरे कौन खाता है यार? कौन खाता है?
कौन खाता है? अभी मैं, तुम मैं कौन? बकरी। बकरी हो तुम? अरे तो दोस्तों अभी थोड़ा सा आनंद नगर आए थे, यहाँ मामा का घर है। थोड़ा सा क्या होता है भाई, पूरे ही जाओ। पूरा आए थे, थोड़ा सा नहीं आए थे। तो ताऊ भाई तो हंस दिए हैं। ताऊ भाई, पहली बार अपने व्लॉग में आ रहे हैं। ये ताऊ भाई वो हैं। कौन है भाई? ये क्या है ना, कलाकार जो भाई है ना, ये क्या आधा और थोड़े में उलझे पड़े हैं। हाँ सही बोल रहे, कोई भी काम को शिद्दत से नहीं कर पा रहे। 100% नहीं दे पा रहे अपना ये। वही तो दोस्तों, ये आधा पूरा नहीं थोड़ा। चश्मा लगाने से लड़की सेट हो जाएगी इनसे। चश्मा तो सेट हो गया लड़की का, पता नहीं। हकीकत तो ये है कि लड़की इनकी तरफ देखती भी नहीं है। गजब बेइज्जती है। भैया स्मार्ट है, पीछे वाले डब्बू भैया। अभी थोड़ा सामान उठाना था, और थोड़ा नहीं पूरा। पूरा सामान उठाना था। कुछ नहीं होता, पूरा सामान उठाएंगे और भाई को भी उतारेंगे, उसको बताएंगे। थोड़ा सामान आएगा नहीं, पूरा सामान लेके चल रहे राधे। अब आइसक्रीम खाने की बारी आ गई है भैया। गर्मी बहुत है और अब हम खा रहे हैं बादाम शेक विद आइसक्रीम। तो बादाम शेक के मजे ले रहे हैं पूरे आनंद नगर में। हेलो, बादाम शेक खाने के बाद अब हम जा रहे हैं कहाँ पर, शादी में वापस। तो अभी मैं आ गया हूँ गार्डन के अंदर, तो गाड़ी यहाँ लगा देता हूँ मैं। अभी तो दिन हो रहा है, बहुत धूप है, रात में है शादी, तो गाड़ी अपन टकरा गई। गाड़ी लगता है मुझे नहीं टकराई। हमारे मामा ऐसे अच्छे से रही, वीडियो बन रही है YouTube वीडियो बन रही है। तो ऐसी बहन आ गई है। ऑफ शिबू मोहबिया एंड आई एम फ्रॉम भोपाल एंड रायपुर। ओके, सब लोगों की भाभी। तब पहली बार मम्मी। मम्मी और ये मैं, सबकी अच्छी खुशी खुशी। हमारे पापा और ये है, इसका अभी हम पता लगा रहे हैं गाइस, ये कहाँ की है, कौन है। अभी मुझे इसके भी नहीं पता। हम मोहबिया बिग सिस्टर। हमारे मूसा जी आए, पांव छू लेते हैं अपन। तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने मामा के घर सबको तैयार करवाने, और मैं बन गया हूँ ड्राइवर अभी। ठीक है मम्मी, आज है मदर्स डे। तो मदर्स डे आज, हैप्पी मदर्स डे मम्मी को। मैं तो बोल चुकी हूँ सुबह आपको, मैंने फोन कर दिया था मम्मी को। दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के घर, वहाँ तैयार करेंगे। क्यों मम्मी? तो मम्मी के घर जा रहा हूँ, जहाँ से रहकर मैंने अपना पूरा कॉलेज की पढ़ाई कर, यहाँ सब्जी लेने आया करता था मैं पैदल ताऊ भाई के साथ। और यहाँ से थोड़ा से दूर मेरे मामा का घर है, और चलते हैं अभी आगे। भाई भी होगा अभी, दाढ़ी वाड़ी बनवा के तैयार होता है अभी। तो दोस्तों मैं हो गया था तैयार, घर पे दिखा नहीं पाया, बहुत जल्दी जल्दी मैं दाढ़ी वाड़ी सेट करवाई सब करा, जल्दी फोन आने लगे थे। तो मैं हो गया तैयार होके आ गया था शादी में, और चलते हैं अंदर अब। तो लो मामी अभी खा रही हैं डोसा। मामा क्या बोलते हो, मामी कैसी लग रही हैं? जम के लग रही है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। मम्मी बैठी है, मदर्स डे का दिन है आज। मेरे लिए लाई है खुशी ने आइसक्रीम, और अभी डोसा भी आ गया है। खुशी हम कौन है, हम कौन है? मैं चाची, चाचू वाले, चाचू तो आइसक्रीम खा रहे हैं अभी, मेरी ये रखी है। तो अभी ये ताऊ भाई आ गए, और पर्दे के पीछे से जाएंगे, क्योंकि आगे से तो कभी एंट्री ली नहीं ना। आइए देखिए आप, तो आइए देखिए अपन पर्दे के पीछे से कैसे एंट्री लेते हैं। पल्लू के पीछे छुपा, मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुके रहना पड़ेगा। छोटू भाई को लेनी थी अभी थोड़ी सी लिटिल लिटिल, थोड़ी लिटिल लिटिल। तो अभी हम आ गए हैं एक बहुत ही प्यारी जगह, देखो। तो यहाँ पर ताऊ भाई कैसा लग रहा है भाई? बिल्कुल झमाझम वाला मजा आ रहा है। झमाझम वाला आना पड़ेगा यहाँ पे, पार्टी करना पड़ेगा। अभी तो क्या है, बाजू में शादी थी, तो यहाँ पर हमने बोला थोड़ा सा विजिट करते हैं, थोड़ी सी लिटिल लिटिल पानी की बूंदे लेते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मैं कुछ लेता नहीं हूँ। और आप भी मत लो, मैं सलाह नहीं देता कि आप लो, क्योंकि शराब सेहत के लिए हानिकारक होती। क्यों था भाई? हाँ भाई, भाई ने बिल्कुल एकदम सही बोला। आजकल के हमारे उम्र के नौजवान पता नहीं क्या क्या नशे करते हैं, मगर मैं कहूँगा कि भाई नशे मत करो, मेहनत का नशा करो। क्यों भाई? ताऊ भाई बिल्कुल एकदम भाई। तो ताऊ भाई मेरे, मैं इसके साथ 3 साल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों बगल में ही शादी हो रही थी, तो बहुत अच्छा एक यहाँ पर बार टाइप था, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था। तो इसका नाम है द प्रीमियम लक्स, बहुत अच्छा है, देख सकते हो। मैं भी घूमने आया हूँ, और यहाँ पीने की ड्रिंक की भी व्यवस्था है, मगर मैं लेता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं दूर बैठा हूँ ड्रिंक से।
बाकी बहुत अच्छा है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि अभी शादी में जाना है और पानी गिर चुका है, तो वहाँ की व्यवस्था देखना पड़ेगा जाके, कभी पार्टी करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों पानी गिर चुका है देख सकते हो, मगर बंद हो गया, बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, ये पूरा गाड़ियों पे जम चुका है और अब आशा करते हैं कि पानी नहीं गिरे। मिलवाएंगे अभी मुस्कान से। मुस्कान क्या खा रहे हो? ये लड्डू ने डोसा वाला टिक्का तो ये बैठी तो सभी लोग अभी खाना खा रहे हैं, चल रहा है फोटोशूट, हमारे मामा कर रहे हैं फोटोशूट अपने मोबाइल से 15 प्रो मैक्स से, पूरी फैमिली इकट्ठा हुई है एक साथ, ये देख सकते हो अपने फोटोग्राफर मामा। तो हेलो कर दो सब सब पोज देते हुए, फुल एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग। अभी भैया की नई नई शादी हुई थी तो भैया फोटो खिंचा रहे हैं अपने बुद्धि पे, भैया आशीर्वाद लेते हुए। आज मदर डे क्या बोलना चाहोगे? खुश है मेरा बच्चा। चलो लड़ रहे हैं सब फोटो खिंचाने के लिए और मैंने बोला मेरे से वीडियो पकड़ो, और भाई सब फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं यहाँ पर मामा डांस करते हुए। ए मामा डांस करते हुए फुल मजे लेते हुए। ये मदर्स डे और मम्मी बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ तो आज मदर्स डे के दिन हम शादी में आए हैं, हो सकता है थोड़ा व्लॉग लेट आए मगर बहुत अच्छा होने वाला है। ये अपने बड़े भैया हैं। राम राम। तो कुर्ते पे टाई कौन बांधता है? टाई दूसरे की, उसको बांधना नहीं आती तो मैं बांधता हूं। तो यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं टाई बांधने की। तो दोस्तों यहाँ पर रील का शूट चल रहा है और मैं अपना व्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं नहीं था इस रील में, इसलिए बिगाड़ूंगा पूरे रील को। और मुझे नहीं ले रहे हैं, ये देखो मुझे नहीं ले रहे हैं रील का शूट, ये देखो ये। तो दोस्तों मिल जान की दर्द झुबे किया है, तुझे प्यार किया है। तो चाचा विधायक है हमारे, चला रहे हैं अभी क्योंकि चाचा विधायक बजेगा अब। दिक्कत ये हुई कि चाचा विधायक तो उनको बुलाया नहीं, तो उन्होंने पानी गिरवा टिप्पणी कर सा पानी, और अभी जिंदा हो तो जी ले लो। हाँ बस अभी रुकना नहीं चाहिए, बजाओ। तो अभी बारात की तैयारी चल रही है, माला ला गई है पूरी। मैंने ना बाबा जी का बर्थडे, तो मैंने
चाहती हूँ ब्लॉग बना दी, जाते उठ ही नहीं रहे थे, मैं थक गया इसलिए मैंने उठा। आलसी है, आलसी है, मेरी मसी जी है जिसने पूरा ब्लॉग शूट करा है ना। जब शादी होगी कब होगी? तो दोस्तों अब इस ब्लॉग को अपन यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग में। भाई की वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इसे आगे बढ़ाएं। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह।